नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे बिजनेस आइडिया की जिसको आप 50 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख एक काफ़ी बड़ी रकम होती है। कुछ लोगों का सपना होता है कि 50 लाख रुपए में हम ये चीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर हम ये चीज़ का बिजनेस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे बिजनेस आइडिया बताऊंगा जो आप 50 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं और उससे अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला बिजनेस आता है जिसको आप 50 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, वो आता है फ्रोजन फूड का। जी हाँ दोस्तों, फ्रोजन फूड में आपने देखा होगा कि आज के टाइम में मार्केट के अंदर मटर अवेलेबल है, या फिर आपने देखा होगा फ्रेंच टाइप में जो आलू आते हैं वो भी आज के टाइम में अवेलेबल है। आपको जस्ट उसको गर्म करना होता है और वो रेडी टू यूज़ होते हैं एकदम। तो इस प्रकार के बिजनेस भी आप 50 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ज़्यादा दिनों तक चलता है, यानी ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होता, तो पीपल इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं आज के टाइम में। और आपको इसके रिगार्डिंग और ज़्यादा नॉलेज चाहिए या कैसे इसको शुरू किया जाता है, किस कहाँ से इसके सर्टिफिकेट वगैरह जो मिलेंगे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं या फिर रजिस्टर करके वहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हैं। मैंने एक वेबसाइट दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके उनसे बात भी कर सकते हैं। जो सेकंड बिजनेस आता है जिसको आप 50 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, वो आता है पेट्रोल पंप का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले ही आपको ये एक बात बता दूं कि जो मैंने ये 50 लाख की वैल्यू बताई है, इसमें मैंने ज़मीन के बारे में कोई कीमत इंक्लूड नहीं की है। खुद की ज़मीन भी हो सकती है आपकी, या फिर आप इसको लीज़ पर भी ले सकते हैं। सेकेंड बात, 50 लाख रुपये में आपको कोई भी कंपनी की फ्रेंचाइजी मिल सकेगी जो पेट्रोल पंप से रिलेटेड हो, और इससे आप महीने के अच्छे खासे रुपए भी कमा सकते हैं। जैसे एक लीटर पेट्रोल बेचते हैं या फिर एक लीटर आप डीजल भी बेचते हैं, तो जो उसके पीछे आपकी कमाई होगी वो नियर अबाउट 1.5 रुपये से लेकर 2.75 रुपये तक के बीच में आपकी होती है, और आप उससे महीने के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। आपको जस्ट एक बार अपने मार्केट के अकॉर्डिंग चेक करना होगा कि पेट्रोल पंप उस एरिया में चल पाएगा नहीं चल पाएगा जहां पे आप पेट्रोल पंप स्टार्ट करने वाले हैं। और इन फ्यूचर अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, तो आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके मार्केट में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डिमांड कब तक आएगी, या फिर आपके मार्केट के अंदर जो पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स आते हैं उनकी डिमांड ही रहेगी। ये एक बार जरूर आप सर्वे करें, उसके बाद ही पेट्रोल पंप के बिजनेस के बारे में आप स्टार्ट करें, क्योंकि 50 लाख एक काफ़ी बड़ी रकम होती है। जो तीसरा बिजनेस आता है जिसको 50 लाख रुपए शुरू कर सकते हैं, वो आता है वाटर बोतल का। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख रुपए के अंदर एक ऑटोमेटिक पानी की मशीन लगा सकते हैं और उससे महीने के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। 50 लाख रुपए के अंदर आपको एक ऑटोमेटिक मशीन के रिगार्डिंग अगर कोई नॉलेज चाहिए या फिर आपको कहाँ से ऑटोमेटिक मशीन मिलेगी, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक दिया है, आप उस पर जाके वहाँ से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा सही मानता हूँ मैं इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अगर आप देखेंगे यदि आप एक बोतल के पीछे भी अगर 2 रुपये बचाते हैं, तो दिन में आप मिनिमम 500 से 1000 बोतल तो मैन्युफैक्चर कर लेंगे या फिर उसको सेल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप इसे इनकम कर देंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन होती है, तो ऑटोमेटिक मशीन इसके अंदर आराम से फिल्टर होता रहेगा पानी और आराम से ऑटोमेटिक पैक होता रहेगा इसके अंदर पानी। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस मैं मानता हूँ 50 लाख रुपए के अंदर, और आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो एक बार जरूर अपने मार्केट के अकॉर्डिंग इसके बारे में सर्वे कर लें, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, वहाँ पर जाकर इसके रिगार्डिंग आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो फोर्थ बिजनेस आता है जिसको आप 50 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं, वो आता है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो आज के टाइम है, यदि आपके पास 50 लाख रुपए है तो आप उसको इन्वेस्ट करें। मेरे अकॉर्डिंग दो मेथड है इन्वेस्टमेंट करने के। नंबर एक, छोटी बड़ी जो स्टार्टअप्स कंपनी होती है उनमें आप इन्वेस्ट करें, क्या पता आपकी इन्वेस्टमेंट उनके काम आ जाए और उनका बिजनेस चल जाए और आपकी इनकम भी उससे डबल हो जाए। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। आज के टाइम में मार्केट में लाखों ऐसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आज के टाइम में करोड़पति बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, और सेकेंड जो मैं इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ वह है प्रॉपर्टी की। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ खेत खरीद सकते हैं या फिर कोई घर या कोई फ्लैट या फिर कोई दुकान खरीद सकते हैं, ये टाइप की आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसको इन फ्यूचर सेल करके उसे अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये भी आज के टाइम में मार्केट में हो रहा है कि लोग 30 लाख में एक फ्लैट खरीद लेते हैं, उसको 2 साल बाद बेच देते हैं, अगर वो 50 लाख उसकी कीमत हो जाती है, मतलब 2 साल में उन्होंने 20 लाख रुपए कमा लिए एक फ्लैट से। इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं कि 50 लाख आप इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें कि उसकी ग्रोथ 101% हो, तभी उसको इन्वेस्ट करना, तभी इसमें फायदा होगा, क्योंकि 50 लाख एक काफ़ी बड़ी रकम होती है।
जो फिफ्थ बिजनेस आता है जिसको आप 50 लाख रुपए से शुरू कर सकते हैं वो आता है फ्रेंचाइजी का। जी हाँ दोस्तों, आप 50 लाख रुपए के अंदर भी कोई फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अपने एरिया के अंदर उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उससे महीने के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। सपोज करें आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे रेमंड की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, लेंसकार्ट की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं, सीसीडी की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज बताइए मैंने, इस कैटेगरीज के अंदर और भी अलग अलग फ्रेंचाइजी है जिसके रिगार्डिंग आप कंपनी से बात कर सकते हैं, वो फ्रेंचाइजी अपने एरिया के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। जस्ट आपको अपने एरिया के अंदर एक बार चेक करना होगा कि ये फ्रेंचाइजी आपके एरिया में चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर किसी और ने तो फ्रेंचाइजी नहीं ले रखी आपके एरिया में पहले से ही भाई। जस्ट आपको एक बार बातचीत करनी होगी कंपनी से और उसके बाद ये फ्रेंचाइजी ओपन करके आप इससे महीने के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। और भी बहुत सी फ्रेंचाइजी आती है 50 लाख रुपए के अंदर, आप उसमें से कोई भी फ्रेंचाइजी लेके अपने एरिया के अकॉर्डिंग उसको स्टार्ट कर सकते हैं और उससे रुपए कमा सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो में से कोई आपको आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन 5 आइडिया के अलावा भी मार्केट में बहुत से आइडिया हैं जो आप 50 लाख रुपए के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरी खुद की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ऊपर मैंने आई बटन पर लिंक दे रखा है, उसके अंदर भी मैंने काफ़ी सारे आइडिया बताए हैं जो 50 लाख रुपए के अंदर भी आते हैं, 50 लाख रुपए से कम में भी आते हैं, आप उससे भी महीने के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं। जस्ट आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग पता करना होगा कि बिजनेस वहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा, वो तो आपको खुद को करना होगा। सेकंड बात, मैं गारंटी नहीं लेता कि बिजनेस खुद चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप पे भी डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस को कैसे रन करते हैं, कैसे आप कस्टमर से डील करते हैं, वो खुद आप पे भी डिपेंड करता है। और यदि आपको और भी कोई बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए या और भी आपको ऐसे इंटरव्यू टाइम में कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत है और इस वीडियो के लिए 1 लाइक तो बनता है।